फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल जो काम अभी चलता है या करता है, विच वर्क गोज ऑन नाउ और डज नाउ, मींस जो काम हम अभी करते हैं उसको हम प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 74% आदमी प्रेजेंट टेंस को यूज करता है। प्रेजेंट टेंस नॉट प्रेजेंट सिंपल ओनली, प्रेजेंट टेंस, एक टेंस में आपको पता है चार ये होता है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो हम आगे बताएंगे आपको। प्रेजेंट सिंपल जो काम अभी चलता है या हम करते हैं, ओके इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 इफ एज अ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई वी यू दे रहेगा तो हम V1 का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही शी इट एंड नेम रहेगा तो हम V5 का यूज करेंगे। मतलब ये आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट एंड नेम प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे के साथ V1 का यूज होगा, ही शी इट एंड नेम के साथ V5 का यूज होगा। आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट एंड नेम प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूं, यहाँ पे माई मीन्स आई, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल आई के साथ V1 आएगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे आई, यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए मैं यहाँ पे V1 का यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। वे किताब पढ़ते हैं, वे मीन्स दे, वे किताब पढ़ते हैं मीन्स दे, यहाँ पे आई वी यू दे रूल के अनुसार यहाँ पे V1 का यूज किया। दे रीड अ बुक, वे किताब पढ़ते हैं। हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग मीन्स वी, इसका मतलब है आई वी यू दे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, तो हम लोग पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर, वी मीन्स हम लोग, राइट मीन्स लिखना, ए लेटर मीन्स पत्र, ओके। तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, तुम, दिस इज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मैं V1 का यूज किया। आई वी अकॉर्डिंग टू रूल आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह गाना गाता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ही शी इट एंड नेम के साथ V5 का प्रयोग होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही है इसलिए यहाँ पे मैं V5 का यूज किया। राम पत्र लिखता है, अकॉर्डिंग टू रूल ही शी इट एंड नेम प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे राम है तो राम के साथ भर्ब का पांचवा रूप आएगा मीन्स V5 आएगा। यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, V मीन्स होता है भर्ब, वन वर्ब का पहला रूप, V5 यहाँ पे वर्ब का पांचवा रूप, ओके। और V1 और V5 में फर्क मैं बताता हूं, V1 हो गया गो, V5 हो गया गोज, मीन्स ओरिजिनल जो ओरिजिन जो है, मेन वर्ब जो है उसमें हम एस या ईएस का प्रयोग जब कर देंगे तो V5 हो जाता है, मीन्स गो गोज, प्ले प्लेज, राइट राइट्स, लाफ लाफ्स, रीड रीड्स, डिपेंड डिपेंड्स, पोस्ट पोस्ट, किप किप्स, सिंग सिंग्स, डू डज, वर्क वर्क्स, ओके। वह गाना गाता है, he sings a song, according to rule, he see it and name के साथ भर का पांचवा रूप आता है, इसलिए यहाँ पे देखिए he हो गया सब्जेक्ट, he see it name plus V5, तो he sings a song, इसलिए यहाँ पे s लगाना पड़ा, V5 का प्रयोग करना पड़ा। उसी तरह से देखिए राम पत्र लिखता है, यहाँ पे नेम है, राम क्या है, नेम, तो नेम के साथ भर का पांचवा रूप, राम राइट्स अ लेटर। वह किताब पढ़ती है, ये भी he see it and name, यहाँ पे see, देखिए see means sisterling, means family। वह किताब पढ़ती है, she reads a book, according to rule, he see it and name के साथ V5 का प्रयोग होगा, I will you they के साथ V1 means verb का पहला रूप का प्रयोग होगा, I will you they plus V1 plus object। दोस्तों इसको अच्छे ढंग से आप याद कर लीजिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर आप अच्छा खासा अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसको अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप यही, ज्यादातर आदमी गलती मिस्टेक्स यहीं पे करता है, इसलिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आई वी यू दे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट एंड नेम प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आई है इसलिए यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ। वे किताब पढ़ते हैं, दे रीड अ बुक, यहाँ पे वे मीन्स दे, यहाँ पे दे सब्जेक्ट है इसलिए मैं यहाँ पे V1 का प्रयोग किया। हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग मीन्स वी, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वी, देयरफॉर आई यूज राइट मीन्स V1, वी राइट अ लेटर, तुम आम खाते हो, यू ईट अ मैंगो, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में तुम मीन्स यू, यू होने के नाते यहाँ पे मैं V1 का प्रयोग किया। इज इट क्लियर नाउ? अब यहाँ पे देखिए वह गाना गाता है, अकॉर्डिंग टू रूल ही शी इट एंड नेम प्लस V5 प्लस सब्जेक्ट। वह गाना गाता है,
सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे वह है मीन्स ही, तो ही होने के चलते यहाँ पे आपको वी फाइव का उपयोग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल ही सी इट ए नेम प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसलिए मैं यहाँ पे एस ए ई एस मीन्स वर्ब में एस ए ई एस लगा देंगे तो वी फाइव हो जाता है। वह गाना गाता है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वर्ब है राइट, इसमें एस लगा दिया तो राइट्स हो गया, वी फाइव हो गया, राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर, वह किताब पढ़ती है, दिस इज वह मीन्स शी मीन्स स्त्रीलिंग फेमिन, वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक, इज इट क्लियर नाउ। वी वन किसको बोलते हैं, गो, वी फाइव गोज, प्ले वी वन प्ले वी फाइव, राइट वी वन राइट्स वी फाइव, लाफ वी वन लाफ वी फाइव, रीड वी वन रीड्स वी फाइव, डिपेंड वी वन डिपेंड्स वी फाइव, पुश वी वन पुश वी फाइव, किप वी वन किप्स वी फाइव, सिंग वी वन सिंग्स वी फाइव, Do V1 does V5, work V1 works V5। मैं इसका मैं पूरा डाटा दूंगा अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको, पूरा फॉर्म का मैं V1 V2 V3 V4 V5 इसका मैं कम से कम 300 400 में दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे यूज होगा कहां पे नहीं यूज होगा। इज इट क्लियर नाउ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये मैं सब आपको एक ही साथ में बताऊंगा, ये मैं समझाने के लिए। अब यहाँ पे क्लियर हो गया तो आगे बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत जरूरी है।